समीना ऐसी थी, समीना वैसी थी, समीना को ये पसंद था, समीना ने बहुत दुख उठाए। मैं तो लोगों से अम्मी की बातें सुनते सुनते बड़ी हुई। बेटा तुम्हारी माँ का मैंने बहुत इलाज कराया था, मगर जो कुछ भी हुआ वो हमें सब पता है, लेकिन इस वक्त दोहराने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वक्त गुजर चुका है। वाकई वक्त बहुत गुजर चुका है और काफी बातें मुझे याद भी नहीं है। लेकिन हमें तो समीना आज भी नहीं भूली, एक एक बात और हर एक याद याद है हमें। बेटा देवू, बेटा बाज़ औक़ात लोग बहुत सी बातें बिला वजह फैला देते हैं, बात कुछ और होती है और मशहूर कुछ और कर देते हैं। सिकंदर ये आप क्या बातें लेके बैठ गए? मेरी माँ एक बहुत अच्छी खातून थी जिन्होंने अपना गम और दुख अपने दिल ही में छुपा लिया था। अगर आप बर वक्त उनका इलाज करा देते तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बेटा ये लोग सिर्फ तो मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, झूठी सच्ची बातें फैला रहे हैं ये लोग। सिकंदर झूठ कौन बोल रहा है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। आपने मेरी अम्मी पर जुल्म किया और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। पहले मैं बहुत सी बातों से लायन थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ मालूम है। मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाइए और दोबारा नहीं आइएगा। तो ये तुम्हारी साजिश है मीरा, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। साजिश तो तुम कर रहे हो जेबू को अपने साथ ले जाने के लिए, अगर तुम्हारी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। सिकंदर हमें भी चलना चाहिए। एक बात याद रखना देवीना, इतनी आसानी से अपनी बेटी से दस्तबरदार नहीं हूंगा मैं। माइंड यू सिकंदर, चले प्लीज।